इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हम आज मिर्ची वड़ा बनाएंगे। आलू भरकर बेसन में लपेटकर आप इसे मिर्ची की पकौड़ी भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ मिर्चों को धोकर साफ कर लिया है फ्रेंड्स। अब बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मिर्चें ली हुई है फ्रेंड्स, और अब हम इनके डंठल नहीं तोड़ेंगे और बीच में से इस तरह से कट लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए आप, ऐसे ही हम सारी मिर्चों में कट लगा लेंगे। सारी मिर्चों में हमने कट लगा लिए हैं। अब हम सारी मिर्चों के बीज हटाएंगे। आप हटाना चाहें तो हटाएं, और अगर नहीं हटाना चाहें तो बिल्कुल ना हटाएं। हम सभी मिर्चों के बीज हटा देंगे। ऐसे हम सारी मिर्चों के बीज निकाल देंगे फ्रेंड्स। मैंने यहाँ सारी मिर्चों के बीज निकाल दिए हैं। अगर कुछ बीज या मिर्च के अंदर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने आलू को धोकर अच्छे से वॉश करके उबाल लिया है, और ये 4 सीटी में मेरे सारे आलू उबल चुके हैं। अब हम इन आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे फ्रेंड्स। मैंने आलूओं को अच्छे से मैश भी कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम आलू को हल्का ऑयल डालकर फ्राई करेंगे, और यहाँ पर मैंने आलू फ्राई करने के लिए, आलू में डालने के लिए अदरक को चॉप करके रखा है, हरी मिर्च को चॉप करके रखा है, आधा नींबू ले लिया है, और मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ाकर उसमें ऑयल भी डाल दिया है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। ऑयल हमारा गरम हो रहा है, और ऑयल हमारा गरम हो भी चुका है, हम इसमें जीरा डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे। अब हम इनको हल्का भूनेंगे। अब मैंने जो आलू मैश करके रखे हुए थे, अब वो हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और गरम मसाला डाल दिया है मैंने। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। आमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, फ्राई करेंगे। अब नींबू ऐड करेंगे इसमें। हरे धनिया ऐड करेंगे, और अब हम इसको चलाएंगे और एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बेसन तैयार कर लेते हैं पकौड़ी के लिए। चलिए, बेसन में हम सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हथेलियों से मैश करके डालेंगे, इससे पेट में गैस नहीं होती है।
और हींग डालेंगे अच्छे कलर के लिए, हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब सबको अच्छे से मिला लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार करेंगे पकौड़ियों को बनाने के लिए। इस तरह घोल तैयार करेंगे कि इसमें एक भी गुठली ना रहे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे जिससे बेसन में जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी घुल जाएं। और अब बेसन हमारा तैयार हो चुका है, देखिए इस तरह बेसन तैयार करना चाहिए पकौड़ियों के लिए। अब बेसन को हम एक तरफ रख देते हैं और आलू को मिर्ची में भर लेते हैं। जिस आलू को हमने तैयार किया हुआ है उनको हम अब मिर्चों में भरेंगे कुछ इस तरह। हम आलू को ज़्यादा ज़्यादा भरेंगे मिर्चों में, क्योंकि आलू जब तक मिर्चों में आना हो अच्छे से तब तक मज़ा नहीं आता है। और बरसात के दिन में तो मिर्ची के पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ और है फ्रेंड्स। चलिए तैयार कर लेते हैं अब सारी मिर्चों को हम आलू भर कर। बरसात के दिनों में गर्मा गर्म चाय के साथ मिर्ची के पकौड़े हों तो फ्रेंड्स बरसात का मज़ा तो दो गुना अपने आप ही बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पर सारी मिर्चों को आलू भर कर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम मिर्ची बड़ा बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने ये मिर्च के एक भी डंठल नहीं निकालना है। मिर्चों को डंठल सहित ही बनाना चाहिए, खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। चलिए अब मिर्चों को बेसन में लपेटते हैं। देखिए फ्रेंड्स बेसन को इस तरह मिर्चों पर लपेटेंगे गाढ़ा गाढ़ा अच्छे से। देखिए अब हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे। इस तरह हम मिर्च को कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए हम सारे मिर्च एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे और मिर्चों पर अच्छे से हम बेसन लगाएंगे। अब सारी मिर्चों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कढ़ाई में। अब हम सभी मिर्चों को पलट देंगे इस तरह। देखिए बीच बीच में अब हम इनको पलटते रहेंगे। फ्रेंड्स आपको ये बाजार में कहीं पर भी मिल जाएंगी। जब भी आप मिर्ची के बड़े बनाएं तो अचार वाली मोटी मिर्च लेकर आएं, पतली मिर्चों से ये नहीं बनेंगे क्योंकि उनमें आलू नहीं, पतली मिर्चों में आलू नहीं भर पाएंगे आप, मोटी ही मिर्च में आलू भर पाएंगे। इसलिए जब भी आप मिर्ची बड़ी बनाएं तो अचार वाली मोटी मिर्चें लेकर आएं, कहीं पर भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। फ्रेंड्स इनको धीमी ही गैस पर बनाएं, फ्राई करें धीमी गैस पर और इनको बीच बीच में पलटते रहें अंदर तक आलू इसके फ्राई हो जाएं। देखिए अब हमारी मिर्ची बड़ी तैयार हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी एक प्लेट में और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अभी इनको मिर्ची बड़ा बनकर रेडी है। देखिए अभी मैं आपको एक मिर्ची बड़ा काट कर दिखाती हूँ। लीजिए चाय और चटनी के साथ, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और एकदम करारे बने हैं और अंदर से मुलायम। और देखिए बड़े के अंदर आलू एकदम से अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय फ्रेंड्स। Thank you.